नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तानिया नीजा और इस एपिसोड में बात करने वाले हैं हम एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की जिसने पिछले दो सालों में दिया है लगभग 200% तक का रिटर्न, और अगर आप तीन साल का भी रिटर्न देखेंगे तो वो ओवर 300% है। मैं बात कर रही हूं इंडियन होटल्स कंपनी की। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और साउथ एशिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी भी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो इनका जो फर्स्ट होटल है वो बॉम्बे में इन्होंने ओपन किया था और उसका नाम था ताजमहल पैलेस, और ये 1903 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और अब आप पोर्टफोलियो पे नज़र डालेंगे तो कंपनी के 196 होटल्स मौजूद है। ये कंपनी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है। और अगर आप स्टॉक की तरफ नज़र डालेंगे तो ये अपनी 52 वीक लो जो कि 207 रुपये है उससे 90% से ज़्यादा तक रिकवर कर चुका है। अगर अभी आप फिलहाल करंट शेयर प्राइस पर नज़र डालेंगे तो वो 52 वीक हाई जो कि 399 रुपीस का है उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। Q4 नंबर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी शानदार रहे थे। कंपनी ने 86% जो है वो जंप घोषित किया था अपनी सेल्स में, और जो नेट प्रॉफिट भी है उसमें भी हमने अच्छा खासा इजाफा जो है वो देखने को मिला था। 340% तक का इजाफा जो है हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिला था। 328 करोड़ रुपीस के आसपास ये प्रॉफिट हमें आता हुआ नज़र आया था। और देखिए एनुअल बेसिस पे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है वो अच्छा खासा है। 1002 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है कंपनी ने पोस्ट किया है। FY22 में ये मुनाफा अगर आप देखेंगे तो वो 247 रुपीस का था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो मल्टीबैगर स्टॉक है इसमें जो मोमेंटम है ये आगे भी कायम रहने वाला है या नहीं। तो अगर वेंचुरा सिक्योरिटीज की माने तो जो होटल इंडस्ट्री है वो आगे चलकर भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि टूरिज्म एक्टिविटीज़ और बिजनेस ट्रैवल में अच्छा खासा जो ग्रोथ है वो देखी जा रही है। और इंडियन होटल कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी है जो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकती है। और उनका ये भी मानना है कि जो ये स्टॉक है इसमें अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल भी है। प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो टेक्निकली हमने उनसे पूछा कि टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक जो है वो कैसा नज़र आ रहा है, तो उनका ये मानना है कि जो अपसाइड टारगेट है वो 425 से 430 रुपए का अभी नज़र आ रहा है। हालांकि अगर ये स्टॉक 375 रुपए के नीचे जाता है तो एक डाउनसाइड यहां पे देखने को मिल सकता है। आखिर में ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उनकी भी जो कॉल है वो एड कॉल ही है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर, और जो टारगेट प्राइस है वो 443 रुपीज़ का है। उनका ये मानना है कि कंपनी नए बिजनेस सेगमेंट्स में जा रही है और इसके तहत उनको आगे चलकर फ़ायदा मिल सकता है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर भी फोकस है और जो बैलेंस शीट है वो नेट डेट फ्री है, उससे भी कहीं ना कहीं ये जो बुलिश स्टैंस है ये मेंटेन्ड है ICICI सिक्योरिटीज़ का। तो अब देखना ये होगा कि ये जो तेज़ी है ये बरकरार रहती है स्टॉक में या नहीं। तो ये बात हो गई इंडियन होटल्स कंपनी की। पर ऐसे ही तमाम मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।